अरे कितने भी विष बदल कर आए, परंतु अष्ट शक्तियों में जो ये प्रख शक्ति है, अब ये काम में आने वाली है। जैसे शक्ति थी हमारी ममा की, बहुत ब्यूटीफुल होमनहार विश्व महारानी लक्ष्मी रूपा, कैसी होगी आप सोच सकते हैं। बहुत आकर्षित होते थे लोग उन पर। एक ऐसे ही अपनी गंदी भावना लेकर ममा के पास आया, उनके ऊपर मोहित होकर। मम्मा बाबा गोद दे रहे थे, उस समय था कि मम्मा बाबा गोद में लेते थे सभी को। वो चार माताओं के पीछे बुरी भावना लेकर आया हुआ भाई भी खड़ा था, लेकिन मम्मा ने चार माताओं के पीछे खाली एक सेकंड से कम समय उसको देखा और पहचान लिया। इतनी गजब की परख शक्ति थी उनकी। उसने वहीं से रोका, बच्चे वहीं खड़े हो जाओ, ये महाकाली की गोद है, संभल कर आना। उसकी रूह कांप गई, हाथ पैर कांप गए, मेरे मन के भाव को इतनी दूर से पहचान लिया इसने, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। अगर वो महालक्ष्मी मां जगदम्बे रूपा है तो वो महाकाली भी है। पर उसने क्षमा याचना की मम्मा से, सच में मामा मैं बहुत बुरी भावना से तुम्हारे पास आया था, और उसकी पवित्रता उसकी शक्ति ने मां बुलवा दिया उसके मुख से। तो ऐसी गजब की परख शक्ति की जरूरत है हमें, कि हम दूर से ही एक सरा कर ले कौन किस भाव से मेरे पास आ रहा है। और ये परख शक्ति, ये अष्ट शक्तियां केवल शिव के साथ योग लगाने से ही प्राप्त होंगी। जितना जिसका गहन योग, उतनी उसकी शक्तियों की परसेंटेज बड़ी होगी।